दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे अगर आप के कोई भी मैट्रिक में 2023 में मैट्रिक पास किए हैं फर्स्ट डिवीजन से, उनको बिहार सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि मिलने वाली है। अगर कोई भी लड़का या लड़की 2023 में मैट्रिक पास किया है फर्स्ट डिवीजन से, तो उन्हें बिहार सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि मिलने वाली है। प्रोत्साहन राशि के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया हम बताएंगे। जो भी 2023 में मैट्रिक पास किए उनको ये बिहार सरकार प्रोत्साहन राशि देने वाली है। तो प्रोत्साहन राशि देने लेने के लिए अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे आज के इस वीडियो में, कंप्लीट प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह गुजारिश करेंगे, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इस तरह की नॉलेजफुल जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। अधिक जानकारी के लिए आप jisanmonitor.in वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे सभी चीज की जानकारी आपको वेबसाइट के माध्यम से दिया जाता है। तो चलिए मैट्रिक 2023 वाला का स्कॉलरशिप अप्लाई करने का, यानी कि प्रोत्साहन राशि अप्लाई करने का क्या प्रक्रिया है। सबसे पहले आपको गूगल में जाना है, कोई भी क्रोम ब्राउजर या गूगल में कोई भी ब्राउजर में जाना है, और यहाँ पे आपको सर्च करना है मेधा सॉफ्ट। जैसे आप मेधा सॉफ्ट सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे पहला ऑप्शन आ जाएगी मेधा सॉफ्ट करके। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, पहला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगी मेधा सॉफ्ट। सिंपली से इस मेधा सॉफ्ट की वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप मेधा सॉफ्ट की वेबसाइट को ओपन करेंगे, कुछ इस तरह का सेंटरपेस आपको देखने को मिलेगा। स्क्रॉल करेंगे नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि मैट्रिक के लिए ये वाले ऑप्शन है, इंटर वाले के लिए ये वाले ऑप्शन है। अगर आप मैट्रिक किए हैं तो मैट्रिक के लिए आपको सिंपली सा 2023 में मैट्रिक किए तो आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर ऑनलाइन 2023, यहाँ पे देख सकते हैं 10th वाले के नीचे पे अप्लाई फॉर 2023। अगर मैट्रिक 2022 में किए हैं, 21 में किए हैं, तो उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं मैट्रिक 2023 वाले के लिए, तो यहाँ पे अप्लाई फॉर ऑनलाइन 2023 वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली सा क्लिक कर देना। चलिए हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये वेबसाइट जो है मैट्रिक 2023 पे रिडायरेक्ट करके हमें दे देगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ वेबसाइट ओपन हो चुकी है। सिंपली से क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट पे जाना है। स्टूडेंट पे जाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर स्टूडेंट पे सिंपली सा क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन फॉर स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे आपके सामने प्रोत्साहन राशि के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होंगे, यहाँ पे आपको आपके सामने सारे बॉक्स आ जाएंगे। ये तीनों बॉक्स में आपको टिक मार्कर लगा देना है, तीनों बॉक्स में टिक मार्कर लगाएंगे ना, उसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, सबसे पहले यहाँ पे जिला सेलेक्ट करना है, कौन से जिले से आपने मैट्रिक पास का वो जिला सेलेक्ट करेंगे। आपका जो मैट्रिक का मार्कशीट है उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। मैट्रिक के मार्कशीट पर जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वो डालेंगे, मैट्रिक के मार्कशीट पर जो नाम है वो डालेंगे, मैट्रिक के मार्कशीट पर जो डेट ऑफ बर्थ वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे फादर्स का नाम डालेंगे जो मैट्रिक के मार्कशीट पर है, मदर्स का नाम डालेंगे जो मैट्रिक के मार्कशीट पर है। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक में कितना मार्क आया वो यहाँ पे डालेंगे। मैट्रिक कौन सा डिवीजन से यहाँ पे आपने पास किया, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी पूछ रहा है, आप कौन से जाति से आते हैं, जनरल बीसी एबीसी जो भी कैटेगरी से आते हैं कैटेगरी अपना सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक का रोल नंबर डालेंगे, यहाँ पे मैरिट में 9 रहेगा। ठीक है, उसके नीचे आ जाएंगे, नीचे आएंगे यहाँ पे आपको आधार वेरिफिकेशन करना होगा, उनके आधार स्टूडेंट के आधार कार्ड में जो नाम है वो नाम यहाँ पे डालेंगे। स्टूडेंट का जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल या फीमेल। स्टूडेंट का आधार नंबर इस बॉक्स में लिखेंगे, स्टूडेंट के आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। उसके बाद वेरीफाई आधार नंबर पे क्लिक करेंगे, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ और नाम उनके आधार कार्ड से मैच कर जाएगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। स्टूडेंट का जो मैट्रिक के मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ नाम है, सेम डेट ऑफ बर्थ नाम उनके आधार कार्ड पर रहना चाहिए तभी पेमेंट मिलेगा। याद रखे मैट्रिक के मार्कशीट पे जो नाम जो जन्मतिथि है वही नाम जन्मतिथि सेम होना चाहिए स्टूडेंट के आधार कार्ड पे, तभी वो प्रोत्साहन राशि के लिए अप्लाई कर सकते, तभी उनको बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा वो सुधार कर ले अपना। ये डालने के बाद उसका मोबाइल वेरिफिकेशन करना होगा, मोबाइल वेरिफिकेशन आपको सिंपली सा यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके बाद वेरीफाई विथ ओटीपी भी क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को इस बॉक्स में एंटर करेंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद वेरीफाई कर देना है। इसी तरह एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर, दो मोबाइल नंबर आपको देना हो, दूसरा मोबाइल नंबर इसमें डालेंगे, वेरीफाई विथ ओटीपी क्लिक करेंगे, आपके सामने ओटीपी वाले बॉक्स आ जाएंगे, ओटीपी डालेंगे, वेरीफाई करेंगे। ठीक उसी प्रकार आपको ईमेल को भी वेरीफाई करना है। ईमेल वेरीफाई के लिए करने के लिए ईमेल आईडी डालेंगे, वेरीफाई विथ ईमेल करेंगे, आपकी ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा, एक बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा, जो ईमेल पे ओटीपी आएगा उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आपको वेरीफाई बटन भी क्लिक कर देना है। वेरीफाई बटन में सारी डिटेल आपको क्लिक करने के बाद आपको सिंपली सा यहाँ पे नीचे एक प्रीव्यू बटन है, इस प्रीव्यू बटन पे क्लिक कर देना है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने मोबाइल नंबर ईमेल आईडी सभी को वेरीफाई कर दिया है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे कैप्चर दिखने को मिल रहा है, इस कैप्चर को हम इस बॉक्स में एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद हमारे द्वारा जो भी डिटेल फिलअप किया था वो सारी डिटेल यहाँ पे बता रहा है, शो कर रहा है और बता रहा है कि जो भी डिटेल आपने फिलअप किया उस डिटेल को यहाँ पर चेक कीजिए। चेक करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे हमें दो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। पहला जो मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड करना होगा जो पीडीएफ में होना चाहिए, जिसकी साइज 400 केबी से कम होना चाहिए। दूसरा आधार कार्ड होना चाहिए जो पीडीएफ में होना चाहिए, जिसकी साइज 400 केबी से कम होना चाहिए। ये दोनों हम फटाफट बना लेते हैं, स्कैन करके पीडीएफ बना लेते हैं, उसकी साइज 400 केबी से कम करके रेडी कर लेते हैं। ऊपर जो डिटेल दिखा रहे सभी डिटेल को एक बार चेक कर लेंगे सही है या गलत है। तो हमने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सिंपली से आपको रजिस्टर हेयर पे क्लिक करना। चलिए हम रजिस्टर हेयर पे क्लिक करते हैं। रजिस्टर हेयर पे क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुल हो चुका है और रजिस्ट्रेशन स्लिप भी हमें यहाँ पे नीचे दे दिया गया। आप यहाँ पे देख पा रहे ये रजिस्ट्रेशन स्लिप है और यहाँ बताया जा रहा है अभी सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है। आपका आवेदन जो रजिस्ट्रेशन है विभाग के पास गया, वो आपकी द्वारा भरा गया डिटेल को वेरीफाई करेगा, सत्यापन करेगा। सत्यापन करने के बाद सही पाया जाता है तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड भेज दिया जाएगा एसएमएस के माध्यम से। उसके बाद उस आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन करके आप अपना एप्लीकेशन को फाइनली सबमिट कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ बताया गया है कि आपका जो अकाउंट है वो स्टूडेंट के नाम से होना चाहिए और अकाउंट में आधार लिंक होना चाहिए, यानी कि डीबीटी होना चाहिए। तो आपके आधार कार्ड के साथ आपका बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए और स्टूडेंट के नाम का ही बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है इसे चाहे तो आप प्रिंट करना चाहे, यहाँ पे प्रिंट है, प्रिंट पे क्लिक करके आप प्रिंट करके स्टूडेंट को दे सकते हैं ये रजिस्ट्रेशन स्लिप। तो यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं। जब आपका एप्लीकेशन वेरीफाई हो जाएगा, सत्यापन हो जाएगा, सत्यापन होने के बाद आपको फिर से इसी पोर्टल पे आना होगा। जब आपका एप्लीकेशन सत्यापन हो जाएगा, आपको आईडी पासवर्ड एसएमएस के माध्यम से मिल जाएगा, तब आपको इसी पोर्टल पे आना होगा, स्टूडेंट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, तब आपको यहाँ पे देखिए आईडी पासवर्ड आने के बाद आपको स्टूडेंट लॉगिन करना है। अगर आपका आईडी पासवर्ड नहीं आता है तो आपने एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ से चेक कर पाएंगे। आईडी पासवर्ड भूल गए, डिलीट हो गया, तो यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड ले पाएंगे। देखना है लिस्ट में नाम है, आपका नाम है या नहीं, आपको प्रोत्साहन राशि मिलेगा या नहीं मिलेगा, वेरीफाई नेम एंड डिटेल से कर सकते हैं। आपको आईडी पासवर्ड रिसीव होने के बाद स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अपना यूजर आईडी जो मिलेगा एसएमएस के द्वारा जो पासवर्ड आएगा वो फिलअप करके लॉगिन कर कैप्चर डाल के लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन फाइनली सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका जो पेमेंट है कुछ ही दिनों में आ जाएगा। जब फाइनल सबमिट कर देंगे फिर से स्टूडेंट पे आएंगे। स्टूडेंट का पर आने के बाद आप यहीं से अपना रजिस्ट्रेशन का स्टेटस भी चेक कर पाएंगे। यहाँ पे चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और सर्च करेंगे। चलिए जैसा कि मैंने अभी आप रजिस्ट्रेशन किया मैंने, और मैं अभी इस स्टूडेंट का स्टेटस चेक कर लेता हूँ क्या दिखा रहा है। चलिए यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद यहाँ पे हमने सर्च कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट की पूरी डिटेल आ चुकी है और यहाँ पे बता रहा है स्टूडेंट का आधार वेरीफाई कर लिया गया है, कैटेगरी वेरीफाई कर लिया गया है। अभी नाम और आधार वेरिफिकेशन बाकी है, डीओबी सर्टिफिकेट के अनुसार बाकी है, मार्क वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के अनुसार बाकी है, फादर्स नेम सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वेरीफाई होना बाकी है। ये सभी जब ग्रीन हो जाएगा तो उसके बाद आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई होगा। बैंक में आपके बैंक में आधार कार्ड लिंक है या नहीं, लिंक होगा तो यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आईडी पासवर्ड आएगा, आईडी पासवर्ड आप सबमिट कर देंगे, ये फाइनलाइज जो नो दिखा रहा है या यस हो जाएगा। ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे स्टेटस चेक भी आप यहाँ से कर सकते। अभी मैंने आपके सामने रजिस्ट्रेशन किया है, यहाँ वीडियो भी वेरीफाई हो चुका है, कैटेगरी वेरीफाई हो चुका है। इसी तरह आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आपको आईडी पासवर्ड आने के बाद वेरीफाई करके फाइनल सबमिट कर देना है। उम्मीद करेंगे मैट्रिक 2023 का प्रोत्साहन राशि ऑनलाइन अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया आप बारीकी से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा।